करीबा तरन्नुम देखेंगे आज की खास खबर। रेत का अवैध परिवहन करते 3 ट्रकों को पुलिस ने पकड़ा। टीकमगढ़ जिले के जतारा थाना के बाईपास मार्ग पर पुलिस ने गत दिवस रात्रि के समय गश्त करते समय बालू से भरे अवैध 3 ट्रकों को पकड़ा गया। जब पुलिस ने इनसे बालू संबंधी कागजात मांगे तो उन्होंने कागज नहीं दे पाए, तो पुलिस ने इनको पकड़कर थाना जतारा ले आई और उनके विरुद्ध अवैध बालू का परिवहन करने का मामला दर्ज किया। पुलिस ने खनिज विभाग को पत्र लिखकर सूचित किया, खनिज विभाग इसके ऊपर कार्रवाई करेगा। इस मामले की पूरी जानकारी जतारा थाना के पदस्थ SI जितेंद्र यादव ने दी। सर मामला क्या है जी, ट्रक जो पकड़े गए हैं कहाँ से पकड़े आपने जी? ये कल मध्यरात्रि 28/6/19 को मैं नाइट गश्त में था, दौरान कस्बा भ्रमण में बाईपास रोड पर 3 ट्रक अवैध बालू के जिनमें क्षमता से अधिक बालू भरी हुई थी, मौके पर उनसे कागजात पूछे गए तो जिनके पास रेत की रॉयल्टी वगैरह कागजात नहीं दिखाए गए, ना ही उनके पास उपलब्ध थे, जिन्हें थाने लाकर खनिज विभाग के लिए पत्र लिखकर कार्रवाई हेतु रखा गया और खनिज विभाग के लिए पत्र लिखकर आज भेजा गया कार्रवाई के लिए। कितने ट्रक है सर ये? ये 3 ट्रक है बालू के। सर ये कहाँ से आ रहे थे? ये इस साइड से आ रहे थे, करीबन ये पलीरा साइड से, क्योंकि मैं बाईपास रोड पर कस्बा गश्त करते हुए सामने से टकरा, तो चेक किया मौके पर, खनिज विभाग के लिए कार्रवाई हेतु भेजा गया। थैंक यू।